हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कल ही आपको न्यूज़ मिल गई होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो दे चुके हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को कोई न्यूज़ मिले। जो हाई लेवल इनका टॉक हुआ था इंडिया और यूएई के गवर्नमेंट के बीच में, उसका क्या रिज़ल्ट आया, तो अभी तक अंडर रिव्यू था, बट कल ही GCAA ने ये दे दिया है, ओपन लेटर दे दिया है। यहाँ पे आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि अभी भी फ्लाइट सस्पेंड रहेगी अनटिल फर्दर नोटिस। तो जी हाँ, जो डेट्स पे डेट्स चेंज कर रहे थे एयरलाइंस वाले, तो उनके लिए ये न्यूज़ है और आप सबके लिए भी है कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई की जो अथॉरिटी है GCAA, तो ये एविएशन की अथॉरिटी है, तो उनके तरफ से ये न्यूज़ आ चुका है कि उन लोगों के तरफ से एक डेट आएगी। फ़िलहाल अभी फर्दर नोटिस तक फ्लाइट सस्पेंड रहेगी। तो ये था न्यूज़। तो चलिए, ये न्यूज़ तो आप सबको मिल गया होगा। तो अब इतने दिन से हम लोग जो सोच रहे हैं कब की बुकिंग कराएं, कोई 21 जुलाई, 25 जुलाई, 31 जुलाई, ऐसे जो डेट शिफ्ट हो रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड हो रहे थे कि कब फ्लाइट शुरू होगी और कब की बुकिंग करानी है, ईद के बाद की कि अगस्त महीने की, कब की। तो देखिए, अब दोस्तों क्लियर हो चुका है मामला, यूएई गवर्नमेंट ने ये खुलासा कर दिया है एविएशन अथॉरिटी के थ्रू कि अभी वो लोग जब तक डेट नहीं देंगे तब तक फ्लाइट्स ओपन नहीं होगी। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या आपको अब बुकिंग करनी चाहिए, तो आपको बुकिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, एमिरेट्स और इतिहाद ने जो मतलब कई दिन से किए हैं डेट्स पे डेट्स चेंज करते हुए आ रहे हैं, तो इसका कई लोगों को भारी नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि डेट्स इतनी शिफ्ट हो रही हैं, वो लोग रिफ़ंड ठीक से नहीं कर रहे हैं, कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे हैं, बस मेल कर दे रहे हैं बुकिंग कैंसिल्ड। ऐसा कई लोगों ने मुझे भी कमेंट करके बताया कि उनकी बुकिंग्स कैंसिल हुई है। तो ऐसे ही हो रहा था, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन और रुक जाइए। तो यहाँ पे मैं कुछ न्यूज़ शेयर करूँगी जो यहाँ के, अब गल्फ़ के जो एजेंट्स हैं वो लोग बोल रहे हैं, सामने ही एक्सपो 20, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बड़े बड़े एजेंट्स बोल रहे हैं, और मेरी भी बुद्धि जहाँ तक काम कर रही है या मेरे को जो भी एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सपो 2020 आने वाला है, तो उससे पहले फ़्लाइट्स ओपन होगी। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, 24 अप्रैल से फ़्लाइट बंद है यहाँ की, तो आप जब 24 अप्रैल से वेट कर चुके हैं इतने महीने, तो कुछ दिन और आप वेट कर लीजिए, फिर से जब GCAA वाले डेट्स अपनी देंगे, क्योंकि ये लोग सस्पेंड बोल दिए हैं, कोई डेट नहीं दिए हैं, अब डायरेक्ट ये डेट देंगे। तो एक तरफ से ये भी है कि डेट ये लोग शायद देने वाले हैं, इसलिए ऐसा बोले हैं कि सस्पेंड अनटिल फर्दर नोटिस, ऐसा करके ये लोगों ने न्यूज़ शेयर किया है। तो जो भी, आप कुछ दिन और वेट कीजिए प्लीज़, आप अभी टिकट बुक मत कराइए। एयरलाइंस वाले जो भी डेट्स अपनी दे रहे हैं वो लोग उनकी खुद की डेट है। तो ये था, काफ़ी लोग अभी पूछ रहे हैं विज़िट वीज़ा का, तो मैं उन सब से ये बोलना चाहूँगी विज़िट वीज़ा भी यहाँ इशू नहीं हो रहा है, तो आप अभी वेट कीजिए, विज़िट वीज़ा बहुत जल्द ओपन होगा, बहुत जल्द, क्योंकि एक्सपो 2020 एक मतलब यूएई का एक बूम आने वाला है, तो उससे पहले फ्लाइट्स भी रेगुलर होंगी, विज़िट वीज़ा भी इशू होगा, हर चीज़, बस आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार। तो ये था आज का अपडेट और मेरे मन की बात जो मैं आ गई हूँ आपसे शेयर करने के लिए। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपके क्या व्यूज़ है, या आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन को ज़रूर ऑन कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। बाय बाय।